हेलो एवरीवन, माय नेम इज चंदन सिंह। सो गाइस, न्यूज़पेपर सीरीज़ का ये पार्ट 18 है, तो बिगनर्स के लिए है। और यहाँ भी मैंने पुराना ही न्यूज़पेपर उठाया है, तो देखते हैं क्या कुछ आपको सीखने को मिलता है। गाइस, शुरू करते हैं। सो गाइस, देखिए ये पार्ट 18 है इस सीरीज़ का। लिखा है कि इन सेकेंड इंसिडेंट इन टू डेज लेपर्ड अटैक्स वुमेन। इन सेकेंड इंसिडेंट यानी कि जो दूसरी घटना है दो दिनों में, उसमें लेपर्ड जो है अटैक करता है वुमेन पर। ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट में दिखाया है, हेडलाइन ऐसे होते हैं। इसका मतलब है कि लेपर्ड ने अटैक कर दिया। देखिए, अ 45-year-old वुमेन वॉज इंजर्ड इन अ लेपर्ड अटैक लेट ऑन सैटरडे इन अमरेली डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात। इन द सेकेंड सच इंसिडेंट ऑफ लेपर्ड ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट रिपोर्टेड फ्रॉम द डिस्ट्रिक्ट इन द लास्ट टू डेज। अब इसको तोड़ते हैं कि अ 45-year-old वुमेन, एक 45 साल की महिला, वॉज इंजर्ड, वो घायल हो गई इन अ लेपर्ड अटैक, एक लेपर्ड अटैक में, लेट ऑन सैटरडे को देर, इन अमरेली डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात, यानी गुजरात के अमरेली डिस्ट्रिक्ट में यह हुआ। इन द सेकेंड सच इंसिडेंट, यानी कि इस तरह की दूसरी घटना में, सच मतलब ऐसा जो दूसरा घटना है उसमें, ऑफ लेपर्ड ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट, की लेपर्ड और इंसान का जो कॉन्फ्लिक्ट है, जो भिड़ंत है उसमें, रिपोर्टेड, इसको रिपोर्ट किया गया, ये आपका पास्ट पार्टिसिपल है, रिपोर्टेड फ्रॉम द डिस्ट्रिक्ट, जिसको रिपोर्ट किया गया डिस्ट्रिक्ट से, इन द लास्ट टू डेज, दो दिनों में। ये पार्टिसिपल फ्रेज है, अगर इसको बड़ा सेंटेंस करते तो यहीं पर विच हो जाता, कि विच वॉज रिपोर्टेड। एनीवेज, तो यहाँ तक तो समझ में आया, अब आगे देखते हैं। इट इज़ हाउएवर नॉट क्लियर, फिर भी ये साफ नहीं है, वेदर द सेम लेपर्ड वॉज इन्वॉल्व इन बोथ इंसिडेंट। वेदर, यहाँ वेदर का मतलब सवाल पूछा गया कि क्या सेम लेपर्ड इन्वॉल्व था दोनों इंसिडेंट में, ये क्लियर नहीं है। द वुमेन दया बेन मलावी वॉज अटैक्ड इन लुंगिया विलेज ऑन सैटरडे नाइट। देखिए, द वुमेन, औरत जिसका नाम है, यहाँ वुमेन के बाद कॉमा करके यहाँ लिखा है कि दया बेन मलावी, इसे बोलते हैं अपोजिशन। इस औरत के बारे में एक इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि वो औरत कौन थी, दया बेन मलावी थी, वॉज अटैक्ड, ये पास्ट डेफिनेट का पैसिव है कि उस पर अटैक किया गया इन लुंगिया विलेज ऑन सैटरडे नाइट, शनिवार के रात को। जब नाइट लग जाता है तो मतलब दिन हो, सैटरडे और संडे मंडे ऐसे कोई डेज नेम हो और उसके साथ अगर नाइट हो तो फिर ऑन का इस्तेमाल होगा, ऑन सैटरडे नाइट। अगर सिर्फ ये रात होता तो एट नाइट होता। टू डेज आफ्टर अ लेपर्ड मॉल टू डेथ, और ये घटना कब घटी, टू डेज आफ्टर, दो दिन बाद, किस चीज़ के दो दिन बाद, अ लेपर्ड मॉल टू डेथ अ फार्मर, कि एक लेपर्ड ने एक फार्मर पर मॉल कर दिया, मॉल मतलब अटैक कर दिया, तब तक अटैक किया जब तक वो मर नहीं गया, तो मार दिया फार्मर को, हु वॉज स्लीपिंग, जो कि सो रहा था, एट हिज फार्म, अपने फार्म पर, एट मोटा मुंजियासर विलेज, ये गांव का नाम है, यहाँ पर वो सो रहा था तो उसको लेपर्ड ने अटैक कर दिया। ऑल्सो इन अमरेली डिस्ट्रिक्ट, और ये भी अमरेली डिस्ट्रिक्ट में ही था, अर्ली ऑन थर्सडे, और ये थर्सडे के सुबह हुआ ये। अब देखते हैं, फॉलोइंग द लेटेस्ट इंसिडेंट, फॉलोइंग का मतलब है होने के बाद, तो फॉलोइंग द लेटेस्ट इंसिडेंट, अभी हाल फिलहाल में जो इंसिडेंट हुआ उसके बाद, द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हैज़ लॉन्च्ड अ मैसिव ऑपरेशन टू ट्रेस एंड कैप्चर द बिग कैट। तो जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है उसने लॉन्च कर दिया है, प्रेजेंट परफेक्ट है, लॉन्च कर दिया है मैसिव ऑपरेशन, बहुत बड़ा एक ऑपरेशन चालू कर दिया है, टू ट्रेस, यहाँ टू देख रहे हैं, टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इन्फिनिटिव है, ये पर्पज़ को दिखाता है कि ऑपरेशन क्यों चालू किया है, कि ट्रेस कर सके, पकड़ सके, एंड कैप्चर द बिग कैट, उसे ट्रेस करके कैप्चर कर ले, बिग कैट मतलब उस लेपर्ड को, अलग अलग नाम से पुकारते हैं तो बिग कैट लिखा है। अकॉर्डिंग टू ऑफिशियल्स के अनुसार, सेवरल केसेज ऑफ ह्यूमन लेपर्ड कॉन्फ्लिक्ट हैव कम टू द लाइट। सेवरल केसेज, कई तरह के जो केसेज है, किस चीज़ के केसेज है, तो ऑफ से जोड़ दिया कि ह्यूमन लेपर्ड का जो भिड़ंत है, कॉन्फ्लिक्ट है, हैव कम टू लाइट। कम टू लाइट का मतलब होता है सामने आना, वो सामने आया है इन द रीजन, क्षेत्र में। मोस्ट ऑफ द विक्टिम्स वर फार्मर्स, अधिक से अधिक जो विक्टिम्स थे वो फार्मर्स थे। यहाँ तक क्लियर है, कुछ सीख लेते हैं इसके अंदर, चलिए कुछ सीखते हैं। एक तो सीखते हैं फॉलोइंग का इस्तेमाल।
फॉलोइंग का इस्तेमाल किया है, पेन ही नहीं चलते, क्या है ये, चलिए दूसरा पेन लाया। फॉलोइंग का मतलब होने के बाद, होने के बाद। तो अगर मैं बोलूँ कि फॉलोइंग द इंसिडेंट, कभी भी अगर आपको ऐसा दिख जाए तो घटना होने के बाद, फिर एक सेंटेंस यहाँ जोड़ सकते हैं, फॉलोइंग द इंसिडेंट पुलिस केम, घटना होने पर पुलिस आ गई। फॉलोइंग द क्राइम, क्राइम होने पर, क्राइम के बाद, फिर डैश 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 कुछ भी कर सकते हैं, पुलिस वर कॉल, पुलिस को बुलाया गया। तो ये तो फॉलोइंग का इस्तेमाल आपको दिख ही जाएगा, जैसे यहाँ पर भी फॉलोइंग है कहीं पर, देखिए फॉलोइंग दिख रहा है आपको, फॉलोइंग द लेटेस्ट इंसिडेंट, यानी कि जो लेटेस्ट जो घटना घटी उसके बाद, तो फॉलोइंग है। उसके बाद एक वेदर का इस्तेमाल होता है, वेदर, ये वेदर ऐसे होता है कि आई डोंट नो, मुझे नहीं पता, आई डोंट नो कि वो आएगी या नहीं, वेदर शी विल कम और नॉट, आप यहाँ लगा सकते हैं, आई डोंट नो वेदर शी विल कम, मुझे नहीं पता क्या वो आएगी, ऐसे भी हो सकता है कि आएगी, या आई डोंट नो वेदर शी विल कम और नॉट, मुझे नहीं पता कि वो आएगी या नहीं, या नहीं है तो और नॉट लगा दीजिए। ओके, आई एम नॉट श्योर, मैं श्योर नहीं हूँ कि वो वेदर वो मेरा प्रपोजल एक्सेप्ट करेगी या नहीं, आई एम नॉट लगा तो आई एम नॉट श्योर वेदर शी विल एक्सेप्ट माई प्रपोजल, ये आपका वेदर है। तो बस ये छोटे छोटे आइटम्स है, कुछ खास तो इसमें है नहीं। कम टू लाइट देख लेते हैं, कम टू लाइट का आप इस्तेमाल करते हैं कि जब कोई चीज़ सामने आ गया, कि जैसे मतलब कि हिज रियलिटी, रियलिटी उसकी जो सच्चाई है, केम टू लाइट, केम टू लाइट वो सामने आ गई ऐसे, या दिस ये केस सबके सामने आ गया, दिस केस केम टू लाइट, ऐसे बोल सकते हैं। आगे देखते हैं, अ सीनियर फॉरेस्ट ऑफिशियल सेड, पास्ट इंडेफिनिटी, सीनियर फॉरेस्ट ऑफिशियल ने कहा, अ मैसिव ऑपरेशन इज अंडर वे, अंडर वे का मतलब है कि अभी वो प्रोसेस में है, तो बहुत बड़ा जो ऑपरेशन है वो अंडर वे है, प्रोसेस में है, टू ट्रैप द लेपर्ड, यहाँ टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इन्फिनिटिव है, लेपर्ड को ट्रैप करने के लिए, विच विल बी शॉर्ट, यहाँ विच एनिमल के लिए विच लगता है, इंसानों के लिए हु लगता है, तो ये आपका रिलेटिव प्रोनाउन है, और ये क्लॉज बना रहा है कि विच विल बी शॉर्ट, जिसे मार दिया जाएगा, डेड गोली मारकर उसे मतलब हत्या की जाएगी, इफ़ इट कंटिन्यूज टू रिमेन इवेसिव, अगर इसी तरह से इवेसिव रहा, पकड़ में नहीं आया तो उसे मार दिया जाएगा, फॉर लॉन्ग अगर लंबे समय तक, एंड कीप्स अटैकिंग और ये अटैक करता रहा ह्यूमंस को, कीप्स, कीप्स से मैं आपको थोड़ा समझा दूँ, देख लीजिए, एक्चुअली पहले तो लोग कीप ऑन का ज़्यादा इस्तेमाल करते थे, जैसे कि वो बोलती रही, तो कीप का सेकेंड फॉर्म कैप्ट, शी कैप्ट ऑन स्पीकिंग, तो कैप्ट ऑन स्पीकिंग का मतलब कि चलता रहा प्रोसेस, कंटिन्यू रहा, यू नो, वो गाली देती रहती है, शी कीप्स ऑन एब्यूजिंग, वो मुझे डांटता रहता है, ही कीप्स ऑन स्कॉल्डिंग मी, स्कॉल्डिंग मी, और कई बार ऑन नहीं भी लगता है, जैसे ही कीप्स स्कॉल्डिंग, ही कीप्स स्कॉल्डिंग मी, वो मुझे डांटता रहता है, दोनों का सही ही मतलब है, वो गाली देती रही, शी केप्ट अब्यूजिंग, तो इसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बस आगे देखते हैं, द ऑपरेशन इन्वॉल्व्स अ टीम ऑफ 150 ट्रेंड पर्सनल, यानी कि जो ऑपरेशन उसमें कितने लोग इन्वॉल्व हैं, 150 ट्रेंड पर्सनल जिनको ट्रेनिंग मिली हुई है, एंड 30 केजेस हैव बीन सेटअप, ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव है कि 30 जो पिंजड़े हैं वो भी वहाँ पर सेटअप किए गए हैं, एट डिफरेंट प्लेसेज, अलग अलग जगहों पर, ही सेड, उसने कहा, एज मैनी एज 6 वेटरिनरी डॉक्टर्स, यानी कि जो जानवरों के डॉक्टर है वो 6 हैं, एज मैनी एज बस एक तरीका है, किसी भी नंबर को दिखाने से पहले एज मैनी एज लगा देते हैं, ये एक तरीका है कि इतना उसको फोर्स करने के लिए, एम्फेसाइज करने के लिए कि भाई साहब 6 डॉक्टर लगे हैं, आर रेडी विद
ट्रैंक्विलाइजर गन्स, जो जो मारने वाले जो गन होते हैं ना, बेहोश कर देते हैं, वो ट्रैंक्विलाइजर गन है, टू रेस्क्यू द बिग कैट, यानी कि बिग कैट को रेस्क्यू करने के लिए। सेड कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट, कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट, ऐसा फॉरेस्ट की जो कंजर्वेटर है उन लोगों ने कहा। क्या नाम है? तो राजकोट एम परमार, ये नाम है उनका। वी हैव ऑल्सो अंडरटेकन अ प्रिलिमिनरी सर्वे, इसको प्रिलिमिनरी भी कहते हैं, कई लोग प्रिलिमाइनरी भी कह देते हैं, प्रिलिमिनरी सर्वे ऑफ द एरिया, यानी कि जो स्टार्टिंग का जो सर्वे है। तो वी हैव ऑल्सो अंडरटेकन, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है कि हमने भी अंडरटेक किया है प्रिलिमिनरी सर्वे ऑफ द एरिया, उस एरिया का जो शुरुआती सर्वे है वो किया है यूजिंग अ ड्रोन, एक ड्रोन का इस्तेमाल करके, यूजिंग ये आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल है, यूजिंग अ ड्रोन टू गेट एन आइडिया ऑफ द मूवमेंट ऑफ लेपर्ड्स, कि लेपर्ड्स के मूवमेंट का आइडिया ले सके। इसलिए वी आर स्कैनिंग द एरिया, पूरे एरिया को खंगाल रहे हैं, स्पेशली कॉटन एंड पल्सेस फार्म्स, जो भी जो कपास के और जो दाल वगैरह के जो फार्म्स है उसमें खंगाल रहे हैं, स्कैन कर रहे हैं। वेयर, जहाँ लेपर्ड्स आर लाइकली टू बी फाउंड, जहाँ पर संभावना है कि वो दिखेंगे, लाइकली टू बी फाउंड, मैं आपको सिखाई देता हूँ फटाफट, लाइकली टू बी, देख लीजिए, देखिए लाइकली टू बी, मैं बोलूँ कि ही इज लाइकली टू बी पनिश्ड, इसका मतलब कि संभावना है कि उसे पनिश किया जाएगा। द एक्यूज्ड इज लाइकली टू बी गिवन कैपिटल पनिशमेंट, यानी कि संभावना है कि उसे कैपिटल पनिशमेंट दिया जाएगा, यानी कि फांसी की सजा दी जाएगी, पनिशमेंट। तो लाइकली टू बी का मतलब संभावना है कि ऐसा किया जाएगा, इसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है क्योंकि पैसिव है। यू आर लाइकली टू बी स्कॉल्डेड, संभावना है कि तुम्हें डांटा जाएगा, ऐसे बस खत्म करते हैं गाइस, फिनिश। देखिए, इफ रिक्वायर्ड, अगर आवश्यकता पड़ी, वी आर ऑल्सो सेटिंग अप सीसीटीवी कैमराज, हम सेटअप लगा रहे हैं सीसीटीवी कैमरा का, एंड नाइट विजन कैमराज का भी, मिस्टर परमार सेड, ऐसा मिस्टर परमार ने कहा। एडिंग दैट पुलिस टीम्स हैव ऑल्सो बीन रोप्ड इन, एडिंग का मतलब है कि ये एक और बात जोड़ते हुए कि जो पुलिस की टीम्स हैव ऑल्सो बीन, ये प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव है, उन्हें भी रोप इन किया गया, रोप इन का मतलब है कि उनसे सहायता मांगी गई है, विद शार्प शूटर्स, शार्प शूटर के साथ, हु विल बी यूज इफ नीडेड, हु ये रिलेटिव प्रोनाउन है और यहाँ से यहाँ तक ही क्लॉज बनाता है कि जिनका इस्तेमाल किया जाएगा, हु विल बी यूज इफ नीडेड, अगर आवश्यकता पड़े। तो बस आई होप कि आपको समझ में आया होगा, तो बिगनर्स काफ़ी कुछ सीख गए हैं, ये आपका पार्ट 18 हो ही गया है, धीरे धीरे जब आप ओके हो जाएंगे तो मैं फिर एडवांस पे जाऊंगा, अभी तो बिगनर्स वाला चल रहा है, फिर इसी को मैं आगे बढ़ाऊंगा, एडवांस कर दूंगा। चलिए गाइस, थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन टेक केयर, कीप प्रैक्टिसिंग एंड हैव फन, थैंक यू गाइस।